जी सर बढ़िया था ना गा करी मोबाइल पर जेबे वाला लिखया बादल लिखया चैलेंज एक्सेप्ट है मेनू इस तरह है कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी आया अपने उन्होंने ऐह लंबरदार सूबेदारा को आया जिन्होंने हमेशा मैं नवाजिया पांच इलेक्शन जिताते चार बार MP बनाता उत्थे आके मैं ऐ लगता मैं अपने घर आया दो कमीजा च आया से अमृतसर मैं 36 साल पटियाले वाले घर चो निकलिया नहीं लेकिन जदों दा इत्थे आया इस गुरु दे दर दा नौकर बन के रहा इक्को ही आस उम्मीद दे नाल राजनीति दे विच हर कदम अगे रखिया कि मेरे किसी भी काज दे नाल मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी और श्री अमृतसर साहब दे लोकां दा जिहड़ा विश्वास है एक राजनेता दे उत्ते या एक पॉलिटिशियन दे उत्ते कदे टुटे ना यही मेरा मकसद है और इस मकसद के लिए अज मैं उत्थे खड़ा उस कगार दे उत्ते खड़ा जिथे बेभरोसगी तो वापस वादा खिलाफी तो वापस किरदार दे उत्ते किसे एजेंडे दे उत्ते और किसे दी जबान दे उत्ते भरोसा करके पंजाब दे लोग गुमराह होके नहीं शुरलियां नाल नहीं लॉलीपॉपां नाल नहीं लेकिन एक योजना बंद नीति बद्ध तरीके दे नाल पंजाब दी उसारी नूं वोटां पा सकन अपने भविख नूं वोटां पा सकन बाहर जांदे बच्चियां नूं रोकण दे लई साडी अगली जनरेशन दे लई वोटां पा सकन ये इलैक्शन इन्ना इंपॉर्टेंट है इन्ना ज़्यादा इहदा महत्व है कि असीं उस कगार दे उत्ते खड़े हाँ जिथे 1,40,000 करोड़ रुपये के खर्चों चो साडा बजट जिहड़ा है साडे कोल सिर्फ 15,000 ही बचता है तो जे इसे तरीके दे नाल इस पुठी राह दे उत्ते तुरे 1 साल भी होर कढ़िया तो वह भी नहीं बचना अगे देखण दी लोड़ है वो 5 साल किस तरह सरकार चलेगी उन्हू देखण दी लोड़ है झूठे वादिया नालों एक एजेंडा एक रोडमैप पंजाब दे रिवाइवल दा वो देण दी लोड़ है और लोकां नू बड़े सजग हो के सतर्क हो के वोटां पाण दी लोड़ है मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सी रखी मैं तो घुली दे ऑफिस आया सी पर हुण तुसी सारयां ने जदों घेर ही लिया तो मैं वो गल्लां करूँगा जिहड़ियां वाजिब ने किसी के उकसान ते गालां कढ़न नाल चैलेंज मैं आ गया मैं चलिया गया मैं फलाना मैं टमकाना कुछ नहीं होना जिन्हां लोकां नू मौके मिले उन्हां गवाए तदे ओ लए और ये भी बड़ा क्लीयर है कि जिहड़ा उपर बैठा मुख अदाकार सत्ता दे गलियारां दे विच सब तो वड्डा मुख्यमंत्री उहदे कोल एब्सोल्यूट पावर है सेंट्रलाइज्ड पावर है और आने वाले समय दे विच लोकां नू ये निश्चा करना पऊगा कि उन्हां नू भरोसा किहदे ते है मैं पंजाब मॉडल द्वारा पंजाब दे किस्मत दे उत्ते लगे ताले खोलना चाहना शुरुआत गरीब मजदूर तो ते साडे रब वर्गे किसानां तो करना चाहना और एक ऐसा मॉडल पेश करना चाहना कि पंजाब दी जिहड़ी बेभरोसगी है पॉलिटिशियंस तो वो किसे योजना किसे नीतिबद्ध बजटरी एलोकेशन दे नाल देखो जो मैं कौन हूं ना भाई मैं कौन हूं ना तो भाई ट्वीट तो मैं अज तक थोड़ा ना करदा 5 साल का करदा देखो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बात सिद्धू साहब जो विक्रम जीती दे परचा आया है किस तरह आप जिस तरह तुसी देख रहे हो मित्रों जिस तरह मैं भी गल कर रहा सवाल यह है कि मैं कोई भी कानूनी कार्रवाई हो जिन्होंने करनी वो देख लेकिन मैं जिन्ना को फैसिलिटेट कर सकता जिन्ना कवास चुक सकता जड़े लोग अज उस कगार ते उन्होंने भरोसा ही नहीं रह गया
किसे भी चीज नूं रोकण वास्ते सजा वड्डी चाहीदी है। सिंगापुर च अज भी कदे कोई पुड़ी नहीं विकदी, क्यों नहीं विकदी? क्योंकि जड़ा बंदा थोड़े जे भी जुर्म ना फड़िया गया वह अपने परिवार को दोबारा देखता नहीं, उन्होंने मरण भी नहीं देते, तिल तिल करके मारते हैं। ऐसी खौफनाक सज़ा है भाई। बेअदबी मैं सोच के देखो, चाहे कुरान शरीफ की होवे, चाहे भगवत गीता जी की होवे, चाहे वह गुरु ग्रंथ साहब जी की होवे, चाहे वह किसी चर्च के विच होवे, परमात्मा अगर एक है तो फिर भाई सब तो वड्डी जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की सज़ा है उन्होंने मिलनी चाहिए है ना। तो पिछले 6 साल के जिन्होंने बेअदबी की, जिन्हों का नाम आता है अफसर समेत म्युनसिपैलिटी के सांडा वाग फिरते हैं, तो जे सिस्टम ने रल मिल के उन्होंने प्रोटैक्शन ही देनी है तो फिर जनता अपने हाथ लै रही है, उन्होंने भेरे बेभरोसगी है सिस्टम तो। बट कह रहे सिद्धू साहब ये कह रहे हैं कांग्रेस के सज्जन कुमार उन्होंने कि सजा। मैं कहना कि मैं कहना कोई होवे इत्थे ना कांग्रेस का सवाल है, ना बीजेपी का सवाल है, ना किसी पार्टी का सवाल है, इत्थे सवाल धर्म का है। गुरु साहिबाना ने सानू एक सीध दिती है, झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जय जयकार। तो मीरी पीरी के झंडिया चो देख लो उच्चा झंडा किहड़ा है, धर्म का झंडा। तो फिर उस राज का की करना जिहड़ा धर्म नू सुरक्षा ना दे सके, धर्म नू प्रोटेक्ट ना कर सके, धर्म नू न्याय ना दे सके? दसो उस राज तो की करवाना है? कई जान जो मर्जी कई जान मैं किसी ने किसी के मूँह देख लाई तरीके कॉन्फिडेंस ले सकते हैं। मैं किसी झूठ नहीं बोलता, मेरे घर भी आके बाहर बहुत मैं उन्होंने खड़ना तो उन्होंने कहना कि जब तक ये माफिया मुकदा नहीं, जो स्टेट के खजाने पैसे आने चाहिए थे उस स्टेट के खजाने आते नहीं, उतो डबल होंगे नहीं, तो मसले हल होंगे नहीं। ये जिन्ना स्टेट के खजाने पैसा आना निजी जेबा जाता है तो असी करजा लैके करजा लैके करजा मोड़ रहे हैं कि जो इलैक्शन कोल आदों ही यह जी घटनावान वापर दें। ये सब तो इंपोर्टेंट गल मैं कह लग्या, अगर इस गलू तुम हाईलाइट करोगे तो बहुत वधिया। कई बार ये होंगे कि जान बुझ के जो इलैक्शन आती है ना सहम फैलाया जाता, वो सहम एक पर्टिकुलर शहरी कम्यूनिटी के वास्ते है भी वो सहम जान और फिर पोलराइजेशन हो जाए। यह जहा कुछ नहीं है, पंजाब कट्ठा है, पंजाब गुरुआ की विचारधारा ना बनया हो, पंजाब हिंदू सिख मुसलमान ईसाई सब कट्ठे ने। यह पहला भी जिन्होंने खता खाधी 50 सीटा तो 15-18 से आए उन्होंने आही कुछ किया, यही कुकर्म उन्होंने नाश करके। इस करके जोड़े हूँ भी ये कोशिशा कर रहे हैं वोट बैंक की राजनीति दे लई जात पात धर्म के नाँ के उत्ते लोगों वंडना, उन्होंने मूँह दिखानी पेगी क्योंकि पंजाब पंजाबीयत नहीं छेगा, पंजाब आपसी भाईचारे नहीं छेगा, पंजाब आपसी सांझ नहीं छेगा, आपसी प्यार नहीं छेगा। इस करके जदों भी कोई पोलराइजेशन की गल आ देश चो पंजाब पुट्ठा चलता। साईं मियां मीर ने दरबार साहब की नींह रखी, 4 वर्णा खुले दरवाजे ने, किसी नूं कोई रोक टोक नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। यही अज पंजाबीयत असी उसारनी है, इस पंजाबीयत दे नूं साधन बना के असी इलैक्शन लड़ना। बड़े लोग ने जिहड़े भंग करन दे लई पहला ही महाराजा रणजीत सिंह का सूबा सूबी बनाती, कट कट के वड वड के टुक टुक के लखा ने जिंदगियां गवाइया बेआबरू होए, ठीक है, दादियां पड़दादियां तक वो घो हल तक भरे नहीं। लेकिन अज मेरी एको ही बेनती है कि पंजाब नू वोट पाइओ, सोच समझ के वोट पाइओ। मैं तुहाड़े राही पंजाब नू सुनेहा दे रहा, गुमराह होकर वोट ना पाओ, मुद्दियां दी राजनीति तो भटकन ना दईओ। ये मुद्दियां दी राजनीति तो भटकाउंदे है, सवाल दो ही ने, पंजाब किद्दां उभरना है, किने उभारना है, तो किवें उभारना है। सब तो इंपोर्टेंट सवाल है किवें उभारना है। किसी नूं रोड मैप देण दी गल सुणदे हो तुसीं?
किस फिर चलो मैं जो दिना हो सकता है हो सकता नहीं ना तो तेरे कहने पैनी है ना किसी के कहने पैनी है लेकिन जवाब इन्ना ही है कि कोई कितने जाए ना जाए फैसला लोगों ने करना और लोगों को एक एजेंडा चाहिए लॉलीपॉप नहीं चाहिए लोगों को मतलब जे कोई कहना भी देखो मेरी एक गल सुनो 15 सीटा के उत्ते बादल परिवार अजे तक लियाए नहीं पंजाब के लोग लियाए जदों घर के दरवाजे तोड़ तोड़ के निकलते सी अंदर लुकते सीगे वह भी पंजाब के लोगों ने किया जुत्तियां पंजाब के लोगों ने भराइया समझ नहीं गोहे पंजाब के लोगों ने पंजाब के लोगों को की नहीं पता जड़ा पंथ जिदे नाम के उत्ते सर्वोच्च पंथ जिदे नाम के उत्ते राज कीता उसे पंथ ने अगे खड़े होकर किसी होर ने थोड़ा ना विरोध किया छुरलियां छड़ता उन्होंने थले लाया मैं कहना लोकतंत्र दे विच तैनू नहीं रोकिया उन्हूं नहीं रोकिया मैं क्या कोई किसे बारे भी कुछ कहे जरूरी है कि मैं जवाब दिया मैं क्या तुसी होर जोर जोर दी कि टेप भर के इत्थे छड्ड जो जरूरी है मैं जवाब देंगा दूजी गल जिन्हें जवाब देना उन्हें देता दूजी गल ये कि मैं कोई जरूरी नहीं है कि मेरे बारे हजारों लोग बोलते हैं लखां लोग प्यार करते हैं करोड़ा तो मैं मतलब दोनों को स्वीकार करता लोकतंत्र हाँ जी नहीं मैं जरा बाइबल कलां की गल जी अज की है वो ये की है कि असल नौकरी ये लोग डिजर्व करते कि मिनिस्टर का मुंडा नहीं कतार दे विच अगे खड़ोता प्रिविलेज बंदा नहीं जे तरस के आधार के उत्ते नौकरी देनी है तो यह जे लोगों को नौकरी दो क्यों नहीं दी तुसी गरीब नूं जड़ा बंदा गुरु दे लई लड़दा रहा गुरु दे इंसाफ दे लई लड़दा रहा और उदों जख्मी होया 2 साल मंजे ते पिया रहा कि वह नौकरी नहीं डिजर्व करता या कि मंत्रियों के मुंडे ही डिजर्व करते हैं MLA के मुंडे ही डिजर्व करते हैं ये पुछना गलत है पुछूंगा चंगी गल है लावे प्रूफ होना चाहिए राणा गुरजीत गल दोहराई है जिन्हें भी बेअदबी करवाई है ओदा कुछ ना रहे कहिंदे पुछ लो जाके रहा तेरा दस रहा कि 800 करोड़ लाते 800 करोड़ लाते 1000 करोड़ लोग घर निकल सुखबीर कहते नहीं नहीं उन्होंने को कह गलत कह रहा 117 चो 135 जितूगा देखो शरलॉक होम्स का प्यो बैठा शरलॉक होम्स का बापू बैठा जसूस है कितनी बड़ी इनफॉरमेशन है खबर बनाओ खबर खबर कोई भी जावे कोई भी आवे कोई भी आवे इच्छा है कांग्रेस को नुकसान नहीं होएगा मैं क्या यार कमाल होगी कांग्रेस को कहता नुकसान भी कई आए कई गए कांग्रेस से खड़ी है कांग्रेस से विचारधारा है तुसी उस विचारधारा नाल हो तो तुसी कांग्रेस दे नाल हो सैकुलर विचारधारा जी है देश को आजाद कराने वाली पार्टी 70 साल की पार्टी है एक विचारधारा तुसी उस विचारधारा नाल नहीं हो तो चले जाओ भाई मैं कुछ नहीं करूँगा जो करूंगा कानून करूंगा असी तो मंग पंजाब दे लोकां दी आवाज बुलंद करदे आ जिहड़ी सच्ची गल है उहदी मंग कर इन्नी गल है पंजाब दे लोकां दी मंग अज दी थोड़ा ना 6 साल दे उड़ीकदे आ कि दोषियों नूं सज़ा दिओ असली सच्चे दोषियों नूं सज़ा दिओ ठीक है कि नहीं तो जायज़ मंग है पर इहदे ते राजनीति हुंदी रही है इहदे ते पक्षपात हुंदा रहा ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਲਈ ਹੋ ਗਏ ਦਰ ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਿਕਰਮ ਜੀਤੀਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਲੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ